डोलोकाइन प्लस टैबलेट जो कि बनाई जाती है मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। एसिक्लोपिनेक 100 mg इसके अंदर रहता है और पैरासीटामोल 325 mg रहता है। 68 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसमें 15 टैबलेट रहती है और 10 टैबलेट का भी ये स्ट्रिप आता है। तो ये टैबलेट जो कि यूज़ होती है किस लिए यूज़ होती है कि ये पेन को कम करने में यूज़ होती है और फीवर को कम करने में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है ड्रग कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। डोलोकाइन प्लस टैबलेट जो कि बनाई जाती है मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। एसिक्लोपिनेक 100 mg रहता है, पैरासीटामोल 325 mg रहता है और ये 68 रुपीज़ का 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये टैबलेट जो कि यूज़ होती है पेन को रिलीव करने में यूज़ होती है, जैसे कि पेन रूमेटिक आर्थराइटिस में होता है, एंकोलोजिस स्पॉन्डाइटिस में होता है या ऑस्ट्रो आर्थराइटिस में होता है तब इसको यूज़ किया जाता है, या दांत में या बैक में या मसल पेन में भी होता है तब भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द होना, भूखा कम लगना, हृदय दर्द होना और डायरिया होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इस टैबलेट को ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये टैबलेट काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर दवाई दो डाली गई है जो कि एसिक्लोपिनेक एंड पैरासीटामोल, जो कि क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है सर्टन केमिकल मैसेंजर को जो कि पेन, फीवर और इंफ्लामेशन, रेडनेस और स्वेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।